अब भाई आप सही बता रहे हैं, जो भी गांव देहात में रहते हैं ना, सबसे पहले तो उनको कुछ भी नहीं पता था कि YouTube वगैरह क्या होता है, वीडियो वगैरह क्या होता है। जब हमारा फर्स्ट पेमेंट आया था तब जाके लोगों को पता चला था। आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था बताओ आप? हमारा फर्स्ट पेमेंट, हेलो गाइस, मैं हूं सलमान, आप देख रहे हो सलमान लाइव इन स्टाइल ब्लॉग। जैसे कि गाइस हमको देखते रहेंगे मुंबई में, और एक ब्लॉग बहुत लोग तो देखते नहीं रहेंगे, अभी मेरा ब्लॉग ज्यादा तो वायरल होता नहीं है। तो गाइस आज तो वायरल जरूर कर देना ब्लॉग को, और ब्लॉग आज वायरल जरूर होएगा, क्योंकि मुकेश सहनी आप नाम सुने रहोगे, करीब नियमित ब्लॉग, वो भाई मेरे ही गांव का है। और अब मैं आया हूं मुंबई से गांव, दो साल बाद इधर गांव आया हूं। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो इधर का व्यू, अभी हाईवे पे हूं, हाईवे साइड में बाकी पड़ता है 3 किलोमीटर गांव, उधर साइड मेरा पड़ता है। और करीब नियमित का लोग कम से कम इधर से मेरे गाँव से 60 या 70 किलोमीटर ऐसे पड़ता है। और मैं जाऊँगा गाइस, आप लोग को दिखाऊँगा करीब नियमित ब्लॉग का घर। मेरे भी चैनल को सपोर्ट करना भाई, और वीडियो को वायरल कर देना, क्योंकि 3 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मुंबई में मैं जॉब भी करता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ, मेरा वीडियो वायरल जरूर कर देना भाई। और चलो चलूँगा और दिखाऊँगा, अभी इधर से 50-60 किलोमीटर है, और आगे जाके दिखाऊँगा, और स्टेशन का भी व्यू मैं दिखाऊँगा जाके। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लंबा होगा गाइस, तो वीडियो दो पार्ट में बनाऊँगा, और आप लोग जरूर देखना, और भाई से मिलूँगा जरूर। दिख रहा है आप लोग को, हम लोग पेट्रोल भरा देते हैं अभी और निकल रहे हैं गाइस, आप लोग को दिखाऊंगा और मुकेश भाई से मिलाऊंगा। और मुकेश भाई वेट जरूर करना भाई, मिल लेना जरूर, घर पे हो या नहीं हो मिलना जरूर, और आपका घर जरूर दिखाऊंगा मैं। और इधर से जाएंगे हम लोग अभी 58 किलोमीटर ऐसे कुछ बता रहा है, हम लोग जाएंगे गाइस और मिलेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा करना। चलो मिलते हैं मुकेश भाई से, बाय। हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, बाकी है गाइस अभी 30-30 किलोमीटर बाकी है, आगे चल के दिखाते हैं आप लोगों को। देख लो रोड कैसा है, गाँव में ठंडी पड़ रहा है भाई, सही बोल रहा था गरीब अमीर भाई, सही बोल रहा था कि ठंडी पड़ रहा है, सही बात है। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं आधे रास्ते में, अभी इधर से 30 किलोमीटर बाकी है गाइज, आप लोग देख सकते हैं उधर बासी लिखा हुआ है, इधर से कम 36 किलोमीटर है, बासी 36 किलोमीटर है गाइज, अभी हम लोग चल रहे हैं भाई साहब, बहुत लंबा है यार, गाड़ी से भी बहुत लंबा है, अभी आप लोग देख रहे हैं ना। चलो आप लोग से मिलता हूँ गाइज, और लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब कर देना चैनल, जितने लोग देख रहे हैं भाई के सपोर्ट से भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो मिलता हूँ भाई के इधर, चलते हैं अभी, चलते ही रहते हैं उससे बाद मिलते हैं। पहुँच गया हूँ इधर से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है, भाई के घर पे पहुँच जाऊँगा, आप लोग से मिलकर दिखाता हूँ मैं, भाई से मिलकर भी दिखाता हूँ आप लोगों को। मुकेश भाई के इधर ही पहुँच गया हूँ, अभी इधर से मैं कटा हूँ, आप लोग को बताऊँगा नहीं, ना तो भाई का एड्रेस लीकेज हो जाएगा, इसके लिए मैं कुछ बताऊँगा नहीं, आप लोग से मिलकर भाई से दिखाता हूँ। अभी पहुँच गया हूँ, ये एरिया है देख सकते हैं, उनके ब्लॉग में देखे रहोगे, बहुत से ब्लॉग में सब मैं देखा हूँ, आप लोग से मिलता हूँ मैं आज। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मुकेश भाई ऐसे ही दिखाते थे साइकिल से, ऐसे ही ब्लॉग दिखाते थे ना गाइस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इधर ही का खेत है, आप लोग देख सकते हैं, यही रोड का ब्लॉग देखते थे आप लोग, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी चल के मिलता हूँ मैं, ये स्कूल है आप लोग देख सकते हैं, स्कूल है क्या है भाई, यही रोड में साइकिल से ब्लॉग बनाते ही वायरल हो गया भाई, और भाई का 1.5 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पर फॉलोअर है और इंस्टाग्राम पे। चलो मिलता हूँ आप लोग से, मुकेश भाई के शायद गाँव इधर ही है, आप लोग से चल के दिखाता हूँ मैं आगे, चलो कंटिन्यू बने रहना। मैं जैसे मुकेश भाई से मिल चुका हूं, और घर भी देख सकते हैं आप लोग, मुकेश भाई बहुत अच्छे हैं भाई साहब, और गांव जैसे एकदम व्यवहार है, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं वैसे गांव के ही है, जैसे हम लोग बस्ती जिले के हैं। और मैं मुंबई में रहता था गाइस, ब्लॉग डेली शूट करता था, बिल्कुल वायरल नहीं होता था,
अभी भाई से मिल गया हूँ, शायद ब्लॉग ये वायरल हो जाए, आप लोग के हाथ में हो तो आप लोग वीडियो देखेंगे। अभी भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे और भाई देंगे आप जरूर। तो सबसे पहले तो दोस्तों नमस्ते, और कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया है भैया, बढ़िया है दोस्तों, आप लोग की दिवा से बढ़िया। अरे सर, दोस्तों मेरा नाम है मुकेश सानी और हम यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में रहते हैं। भाई बगल में ही रहते हैं, सिद्धार्थनगर जिला बस्ती जिला जो है वो सटा हुआ आपस में, एक पड़ोसी जैसे होते हैं। और हमने 12th तक पढ़ाई किया, कोई खास पढ़ाई नहीं किया है। और हम लगभग YouTube की बात करें, लोग हमको YouTube के जरिए ही जानते हैं, तो वैसे अक्सर गांव में कोई जानता ही नहीं है YouTube के बारे में, कोई नहीं जानता है। इधर कोई नहीं जानता। हाँ वैसे अभी थोड़ा बहुत लोगों को पता चला है कि YouTube वगैरह क्या होता है, नहीं तो पहले तो कुछ नहीं जानते थे। तो हमारा जो YouTube जर्नी स्टार्ट हुआ था लगभग 3 साल पहले, एक दोस्त के साथ हम पहले वीडियो बनाते थे, गेमिंग वीडियो बनाते थे। तो लगभग 1 साल 10 महीने से लेकर 1 साल तक उस चैनल पर वीडियो बनाए, तो कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस ये मिला कि दोस्त चैनल ही लेकर भाग गया। अच्छा, इतना अच्छा रिस्पांस मिला, दोस्ती तोड़ दिया। तो उसके बाद जो हमारा ये चैनल है जो कि अभी गरीब एमएस ब्लॉग्स नाम से जाना जाता है, जिस पर लगभग 14 लाख यूट्यूब फैमिली है, तो उस पर मैं डेली वीडियो डालता था। पहले नाम था एमएस गेमिंग नाम था, फिर उसका नाम गरीब एमएस गेमिंग हमने रखा था, फिर उसके बाद गरीब एमएस ब्लॉग्स बन गया था। इस पर इसके पीछे एक रीजन था कि मेरा जो पहला वीडियो इस पर वायरल हुआ था 8 महीने बाद, लगातार मेहनत करने के बाद 8 महीने में कितना 8 + 24 = 240 दिन होते हैं ना, 240 दिन में 240 वीडियो थे। अच्छा। डेली वीडियो पड़ता था। अच्छा। और 365 दिन में 365 वीडियो थे, एक वीडियो ना आगे ना पीछे। अच्छा। ऐसा नहीं कि 365 दिन में 370 या फिर 360 वीडियो। अच्छा। थे। तो जो मतलब मेरा कंटिन्यू वीडियो डालना पड़ता है डेली के डेली। भाई लोग समझ जाओ, आप लोग कंटिन्यू वीडियो डालो, वायरल वीडियो जरूर होएगा। और भाई क्या सजेशन देना, जो न्यू यूट्यूबर आ रहे हैं भाई लोग, उनको क्या सजेशन देना चाह रहे हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आपको फोकस करने रहता है, जो आपके अंदर हुनर हो उसी को दिखाइए। जैसे मैंने एक चैनल पर गेमिंग वीडियो डाला 10 महीना, फिर उस पर 8 महीने तक मैंने वीडियो डाला, तब जाके एक वीडियो वायरल हुआ। और मेरा लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा मेहनत करने के बाद यूट्यूब पर, केवल सोशल मीडिया पर तो मैं लगभग 5 साल से हूँ, लेकिन यूट्यूब पर 1.5 साल मेहनत करने के बाद, गेमिंग वीडियो पर मेहनत करने के बाद मेरा वायरल जो वीडियो हुआ वो ब्लॉग का वायरल हुआ। गेमिंग नहीं चला। हाँ, तो मेरे को यहाँ से ये पता चला ना कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो छोटा मोटा टैलेंट है ना, वो एक ब्लॉग से रिलेटेड है, जो मैं बोल देता हूँ। एक नंबर दिखता है आपका ब्लॉग। उसके बाद हम लोग शेयर भी करते हैं, और भाई का ब्लॉग भी देखना, जो जो मेरे ऑडियंस है वो भाई का ब्लॉग देखना, एक नंबर ब्लॉग रहता है। और भाई मेरे गांव का है और एक नंबर व्यवहार है, और आप लोग देख सकते हो भाई का गांव भी। इधर ही का ब्लॉग हम लोग डेली देखते थे, आज रियल में देख रहे हैं, हकीकत में लग रहा है एकदम। गाइज आप लोग और भाई बोलो मेरे चैनल के बारे में। जरूर जरूर भाई, देखो 3 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ गाइज, आप लोग और वीडियो देख लेना, मेरा चैनल 3 साल से है, बाकी 1 महीने बाद 15 दिन बाद 2 दिन बाद ऐसे वीडियो छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, इसके लिए 8 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, तो भी उसमें टाइम निकाल के मैं ब्लॉग बना के 10-12 मिनट का आप लोग को देता हूँ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब भाई बोलेंगे जरूर जरूर। देखो भाई, ये तो मैंने देखा कि भाई 3 साल से वीडियो अपलोड कर रहे हैं और रिस्पॉन्स ना के बराबर है। भाई देखो, कोई भी 3 साल से मेहनत कर रहे हैं एक ही चैनल पर ना, तो अक्सर ज्यादातर लोग छोड़ ही देते हैं। अब गाँव के लोग भी बोलते हैं वीडियो बनाता है, वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने से क्या होता है। अभी भाई को देखो, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, और कितना भाई का अभी बाद में बताएंगे, वो भाई अभी अर्निंग कितना करते हैं। और भाई आप लोग बता रहे हैं, जो भी गांव देहात में रहते हैं ना, सबसे पहले तो उनको कुछ भी नहीं पता था कि यूट्यूब वगैरह क्या होता है, वीडियो वगैरह क्या होता है। जब हमारा फर्स्ट पेमेंट आया था तब जाके लोगों को पता चला था। आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था बताओ आप? हमारा फर्स्ट पेमेंट आया था 10,000। 10,000 और ये जो 70,000 आया था, ये कौन सा पेमेंट था भाई? नहीं, इसके अलावा पेमेंट मैंने जिक्र ही नहीं किया कभी। अच्छा, एक पेमेंट में उधर गिन रहे थे ना बात के नीचे, वो वाला 70,000 कुछ आया था ऐसा बोल। अरे नहीं, वो पूरा एग्जैक्ट नहीं गिना था हमने। अच्छा। आपने तो अपने आपने आप से ही बोल दिया। लेकिन जो भी हो, इतना आया था और इतना आ रहा है कि उससे हमारा घर चल जा रहा है, और उससे ज्यादा क्या ही चाहिए। अच्छा भाई, देखो कोई भी लड़का हो, अगर सोशल मीडिया पर आया हो, भले ही 1-2 साल मेहनत किया हो जैसे भी, लेकिन अगर उससे उसका घर चल जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, इसके लिए मैं भाई का भी ब्लॉग शेयर करता हूँ कि मेरे गांव का है, जितना भी ब्लॉग चलेगा उतना ही अर्निंग होएगा इसके लिए। और दोस्त लोग से भी बोलता हूँ कि शेयर करना। और भाई आप अर्निंग कितना करते हो ये बताओ, सब लोग को यही पूछते हैं कमेंट में, नीचे में आपके भी यही पूछते हैं। तो जो देखो, जो हमारा यूट्यूब का अर्निंग होता है वो पहले आप सभी को बता दिया है। पहली बात तो ये फिक्स नहीं होता है, ये हमारे घर वाले भी जानना चाहेंगे आपका अर्निंग। देखो हमारा इतना अर्निंग होता है ना। हाँ। कि अगर 30-40 हज़ार 50 हज़ार व्यूज आ रहा है, और डेली में इस समय डेली वीडियो नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो डेली नहीं आ रहा, आना जाना लगा रहता है रिश्तेदारी वगैरह में, तो थोड़ा गड़बड़ जा रहा है। लेकिन अगर डेली पड़े तो ये जान लीजिए कि सरकारी नौकरी जितना आ सकता है, अगर 30,000 40,000 50,000 प्रधानमंत्री नहीं कमा सकता है,
अरे यार मतलब 2-3 मिलियन फॉलोअर्स रहे तो अगर अच्छा खासा व्यू जाए तो सौरभ जोशी है। अरे भैया वो तो बड़ा यूट्यूबर है यार, उनका क्या ही कहना, कहां सौरभ जोशी कहां। नहीं सौरभ जोशी एक बार गए थे, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इधर मुंबई में मेरे को गेट ऑफ इंडिया मिले थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो बुलाया बुलाया मैं तो कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो मैं जो बोलते हैं सामने से उसी के साथ में वीडियो जो बनाता हूँ। अच्छा। जबरदस्ती करके मैं बना दूँ वायरल हो जाए ऐसा कुछ अपना वो नहीं है। इसके लिए मेरा चैनल उधर ही रह गया है। और भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, और भाई बोलो अब मेरे चैनल के बारे में सपोर्ट करने की। सपोर्ट कर दीजिएगा भाई को, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और मोनेटाइज भी नहीं है चैनल। नहीं मोनेटाइज नहीं है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई को, 600 सब्सक्राइबर हो गया, 600 और वॉच टाइम भी डाउन हो गया होगा इनका, क्योंकि जो पिछला 2 साल का वॉच टाइम है हाँ वो घट गया है, 300 बचा है कुछ ऐसे ना, तो पूरा हो गया था। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1K की यूट्यूब फैमिली कम से कम कंप्लीट हो जाए। अभी तो फिलहाल 500 का जरूरत है। हाँ वो तो पूरा हो गया, सब खाली वॉच टाइम बाकी है, वो पूरा करना है। उसके लिए तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए ही। और इसी वीडियो में गाइज आप लोग इस भाई के वीडियो में वॉच टाइम भी पूरा कर देना और सब्सक्राइबर भी पूरा कर देना। और भाई इधर ही वीडियो बनाते हैं, इधर के हम लोग तो डेली देखते हैं, आप लोग देखे ही रहेंगे। और गाइज अभी ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ, भाई आप बोलो कुछ। जरूर जरूर, देखो भाई आप लोग सबसे पहले यही कहना चाहते हैं, लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया होगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। तो गाइस अभी आ गया हूँ मैं मुकेश भाई के घर के, इधर देख सकते हैं आप घर कैसा है, और चाची उची सब लोग इधर ही घूम रहे हैं, आप लोग डेली देखते ही रहेंगे। मैं तो डेली मुंबई में सो के उठ के सुबह सुबह भाई का ब्लॉग देखता हूँ। और भाई आप बताओ, आप दिखा सकते हो, देखो जरूर जरूर कैसा है कैसा नहीं है, यही आप लोग देख सकते हैं जो भी वीडियो में आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, वीडियो में डेली देखते हैं भाई लोग। आप लोग देख सकते हैं गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी घर 80 किलोमीटर दूर जाना है गाइज, और मेरे लोकेशन ट्रैक करते करते हम लोग 3 घंटे से इधर ही घूम रहे थे, इसके लिए इतना टाइम हो गया, शाम हो गया, और अभी हम लोग निकलते हैं, और भाई अभी वीडियो को एंडिंग करेंगे, हम लोग निकलेंगे। जरूर जरूर जरूर। तो आप लोगों ने घर भी देख लिया सारा कुछ, आप सभी को अपने यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड सारा कुछ बताया आप सभी को, कि गांव देहात में रहने वाला लड़का कैसे 1.4 मिलियन की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी लोग बताइएगा कैसा लगा आप सभी को आज के भाई का ब्लॉग, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 80 किलोमीटर दूर जाना है तो भाई शेयर वगैरह तो कर देना एकदम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।